राम राम जी, मेरे न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो सुबह सुबह का टाइम है, तो ई मैं के काम धाम लगूंगी, आप सबने दिखाऊंगी। देखो जी, आज थोड़ी धूप सी तो नहीं निकल रही है, पर हवा चल रही है। और मैंने दर दिया है अरे सागरंधन आरा लगा कर, मेरा सागरंधन लग रहा है। अरे यहाँ मैं पानी रख दूंगी ताता, और काम धाम देखते हैं क्या कर रहे हैं। मेरी माँ रसोई में चाय ले रही है। एक तो जपा जपा दर्दा है, एक तो गर्मी आते फिर मधुरा नहीं खाया जाएगा, एक तो 10-15-20 दिन ज्यादा का भी दर्दा है, फिर तो एक साल ना बात जा है बाजरे की रोटी है कि चूल्हे पे बनाने का तोड़ मुद्दा नहीं है। सही आंच हो गया चूल्हे पर, गैस पे इतनी अच्छी तरह आंच ना ला देती। देखो जी, गर्मा गर्म खाना बनकर तैयार है, बाजरे की रोटी, मूली और हरी सब्जी और लस्सी। जिसने भी खानी हो खा लो, जाती जाती बाजरे की रोटी और हरी सब्जी का टाइम है, फिर गर्मियां में नहीं आओगे मूली का भी मजा। तो मैं तो खाऊं, आप सब भी खाओ। हम चलते हैं जी छत पे, आज निकल रही है धूप, तो कई दिन हो गए थे धूप निकले, आज अच्छी तरह घाम लकड़ा है। घाम लकड़े पीछे तो शांति सी हो जाए, हर सारी चीज कपड़े सुखा लो, सारा काम हो जाए है। धूप नहीं लकड़ती तो वो यार है कती सारा गात बोचा बोचा। तो अब हम आ गए छत पर, मैं गोशे देखने आई थी ना, थोड़े थोड़े से पाड़ दूंगी और इन गोशियां ना उथड़ दूंगी, ये थोड़े थोड़े से सूख जाएंगे फिर तारे जाएंगे। तो मैं इन देख रही हूँ, सारे गोशियां ना उथल पुथल करूंगी, इन उथड़ूंगी और फिर देखते हैं। तो जी सारे गोशे गासे मैंने उथड़ दिए वे, और इवनिंग है धूप में निकलने लगी है तो सूख जाएंगे अच्छी तरह गाँव में, और फिर इन्हें भी कुछ ले जाकर बटोड़ा टकवाण की तैयारी करेंगे, क्यों कुछ छोड़ा पत्थर हैंगे तो आड़ में कुछ छड़े। तो ये सारे मैंने उथल पुथल से दिए हैं, धूप लग जाएगी इनका और ये सूख जाएंगे, फिर इन्हें ले जाकर अंधेर में बटोड़ा टकवाऊंगे। 6 तारीख की पुणवासी, पुणवासी के बाद गतवाड़ में ले जाकर और बटोड़े की तैयारी कर दें। इब तय हमने तली भी नहीं टेकी है, और ये इतना सूख जाएंगे 5-4 दिन में, इन्हें डोलन लग गएंगे, क्योंकि कई बार अड़े पथ जा था गोबर गतवाड़ में नहीं ले जा पाऊं थी, तो अड़े पथ अड़े भी गोसे हो गए, दो जंगा हो रही है मेरे, और फिर उड़ा बूंड लगन लग जाएंगे। तो अब चलते हैं नीचे और कंबल कुंबल सुखाऊंगे, धूप बहुत अच्छी लग रही है, हवा तो चल रही है पर धूप अच्छी है। अब चलते हैं नीचे। भाई इसका पापा बरसम लिया थे, अब फला दी है कि ओसी की हो जाए तो थोड़ी सी यह सूख जाएगी, और थोड़ी ओस की नहीं काटनी चाहिए, थोड़ी सी सुखा के काटनी चाहिए, तो इसने थोड़ी सी सुखा फला देंगे या हवा बाढ़ लकड़ जाएगी फिर इन्हें काटेंगे। ओस की बरसम पशुआ तई बसा तई अच्छी नहीं होती। तो धूप तो निकल रही थी, तो कई दिन हो गए थे, मैंने कंबल भी सारे बाहर घेर दिए हैं, ये भी धूप लग जाएगी, और क्यों इनका डायरेक्टली ना हो ये दूते तो सैनी मोटे कंबल, तो इन्हें धूप लग जाएगी। भाई धूप दिखानी भी जरूरी है, उड़न बिछाण के कपड़ा का भी जो धोन के होए तो दूजिया, ये तो दूते भी नहीं, इनका तो साल 2 साल में डायरेक्टली ना करवानी पड़ा है। तो धूप कम जा ले रहे थे और इसलिए मैंने सारे कंबल भी घेर दिए बारम का, इतना शांत आई इनमें भी धूप लग जाएगी, और अच्छा मौसम करे रखा है परमात्मा ने आज। देखो जी, मेरी रसोई की सफाई ही चल रही है, ये मैंने जो फालतू पोलिथीन वगैरह है हाँ निकाल दिए, क्यों कई बार क्या हुआ थोड़ा बहुत सामान रह जाए वो डब्बा में नहीं आता, उस नाम वैसे ही रख दे है, तो कई जगह सामान हो रहा था मेरा थोड़ा थोड़ा, इन अच्छी तरह डब्बा में रखूंगी। कई बार तक अजय मैं बच्चे खुचे सामान ना मनु रख दे है, और हफ्ता 10 दिन में थोड़ी सी डब्बे डब्बे की एक आधा फालतू एक्स्ट्रा सामान हो जाए है,
वे साफ सफाई सी कर रही हूं मैं। रसोई की सफाई तो जरूरी है। ये कुछ जमान थी, इसमें मैं डब्बे में गाल कर रख दूंगी। इसमें मैंने धनिया रख लिया है, फालतू इसमें गाल लिया है। आड़ा धर लूं सब्जी में, टमाटर पीछे साथ में घेर दे, थोड़ा धनिया ऊपर धरे, पीछे भूल जाऊं मैं धनिया डालना। इस मारे नीचे धर दियो थोड़ा, हर डिब्बे में रखा रहेगा, ये दिखता रहेगा। सब्जी पीसूंगी रांधो जब, टमाटर हम पीस लूं। तो ये सफाई सफुई कर लूं मैं, फिर देखते हैं पोचा वच्चा लगाएंगे। देखो जी, मैं छोकन लग रही, शाम का टाइम है, सब्जी मेरी सुबह की हरी सब्जी बच रही थी तो मैं इसने छोकू हूँ। छोकने के बाद ये टेस्टी सी हो जाए तो मैं थोड़ा जीरा डाल दूंगी। जीरा पक जाएगा, प्याज डालना चाहो तो प्याज भी डाल सका इसमें, पर प्याज मैं डालू नहीं गी। मैंने टमाटर और हरी मिर्च काट रखे हैं और थोड़ा सा मैंने इसमें धनिया भी डाल लिया हुआ है। ये मेरा जीरा पकने, और थोड़ा सा लहसुन चाहो तो थोड़ा लहसुन का भी तड़का लगा उसको, लहसुन की महक और अच्छी लगती है। और ये सुबह की सब्जी बहुत अच्छी टेस्टी बन जाती है इस तरह से। तो मेरा जीरा भून जाएगा, ये भुनने के बाद मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। प्याज डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा हल्का सा नमक, ये प्याज सही तरह सोख तो हो जाएंगे, और थोड़ा सा हल्दी डाल दूंगी हल्की सी, और इन्हें अच्छी तरह पका लूंगी। इन्हें पकने के बाद फिर मैं इसमें ये सब्जी डाल दूंगी हरी, इन्हें अच्छी तरह पका लूंगी। पहले मैं ये हल्दी और नमक और ये सारा सौदा पकने के बाद डाल दूंगी। थोड़ी देर में इसमें ढककर रख दूंगी, ये पक जाएंगे, फिर इसमें मिलाते हैं। मेरे टमाटर अच्छी तरह ये पक गए हैं, देखो इसमें अच्छी तरह खटका लग गया है, हरी हल्दी पक गई है। ये थोड़ा सा मैंने धनिया भी डाल दिया था। ये अच्छी तरह हल्दी पकने के बाद और इसमें मैं ये सब्जी डाल दूंगी हरी, और अच्छी तरह मिला लूंगी। मिलने के बाद मेरी हरी सब्जी टेस्टी टेस्टी हरी सब्जी तैयार हो जाएगी। और देसी घी का तड़का लगाओ तो बहुत अच्छा रहता है इसमें। तो मेरी सब्जी गर्म हो गई है और टेस्टी टेस्टी सब्जी तैयार हो गई। देखो जी, अंधेरा हो रहा है बाहर और सब सो गए हैं, अपने गुदड़े अंबट गए हैं, और मैं रात नहीं भी चोरी चोरी हलवा बना कर खा रही हूँ। तो मेरा हलवा देखो, मैंने तैयारी कर लिया, दूध ले लिया, मैं दूध का हलवा बनाऊंगी और बेसन का। तो मैंने बेसन गाल लिया है और ये देसी घी ले लिया है, तो भी ना मैं अच्छी तरह रला लूंगी। ये हलवा बनाऊंगा मैं आज इसके पापा के लिए, उसका खांसी जुखाम हो रहा है, तो गर्मा गर्म बेसन का हलवा बनाकर सोती आना खाकर सो जाएगा। तो ये मैं हलवा इन बेसन भून लू थोड़ा सा, ये बना रही हूँ। अच्छी तरह रला कर खांसी जुखाम में बेसन का हलवा खा ले तो कुछ राहत हो जाती है, इसलिए देखा है कितना आराम लगेगा बेसन के हलवे। तो खाने के बाद फिर पानी वगैरह नहीं पीना चाहिए, सोती आना खा लो और सो जाओ, आराम लग जाए खांसी जुखाम में। पहला के आदमी तेन अकाया करते। तो देखो जी, मेरा बेसन बुन गया है और मैं पान लग गया, थोड़ा सा लाल भी हो गया ज्यादा। अब मैं इसमें दूध डाल दूंगी पात की जगह, और साथ में चला दूंगी, और चीनी भी मैं साथ में डाल दूंगी। तो हलवे की तैयारी, दूध तो खुशबू उठ गया है। थोड़ा सा और दूध डाल दूंगी इसमें, एक बार अच्छी तरह मिला दूंगी इसमें, और मेरा हलवा
बेसन का गर्मा गर्म दूध का हलवा तैयार हो जाएगा। ये बहुत स्वाद भी लग गया है और बढ़िया भी हुआ है, ऐसी खुशबू उठ रही है बहुत बढ़िया हलवे की, तो दूध तय मैं कहा जाया करें। तो मेरा हलवा बनकर तैयार हो गया है, थोड़ा और हो जाएगा। आप सब भी खा लो गर्मा गर्म, सर्दी में गर्मा गर्म हलवा। तो ये बनने के बाद इसके पापा तो देखाऊंगी।